એનો કાર્યકાળ પણ સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે। નવી સરકાર રચાશે અને નવી સરકાર નવા મંત્રીઓ શપથ લેશે। તો 7 જૂને ભાજપની સંસદીય દળની બેઠક પણ મળવાની છે। 7મી જૂને પીએમને નેતા ચૂંટવામાં આવે તેવી શક્યતાઓ અત્યારે જોવા મળી રહી છે। કેબિનેટની ભલામણને લઈને પ્રધાનમંત્રી મોદી રાષ્ટ્રપતિ ભવન ખાતે પહોંચ્યા છે। 7 જૂને ભાજપની સંસદીય દળની બેઠક મળશે। તો વધુ માહિતી સાથે સંવાદદાતા રવિન્દ્ર કુમાર દિલ્હીથી આપણી સાથે લાઈવ જોડાઈ ગયા છે। રવિન્દ્ર, જિસ તરહ સે કલ નતીજે સામને આયે હૈ વો દેખ કે સબ લોગ ચોંક ગયે થે, લેકિન અભી આજ સુબહ સે દિલ્હી મેં હલચલ તેજ હો ગઈ હૈ। અભી પીએમ મોદી ભી પહોંચ ગયે રાષ્ટ્રપતિ ભવન પે, કૈસા માહોલ હૈ વહાં પે, કૈસી હલચલ હૈ? देखिए, मैं राष्ट्र प्रधानमंत्री आवास के ठीक बाहर खड़ा हूं। यहां पर पहले कैबिनेट की बैठक हुई है। कैबिनेट ने 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश की थी। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद के एक घंटे तक बैठक चली और उसके बाद 4 बजे एनडीए के यहीं पर बैठक होने वाली, एलके में बैठक होगी। तो कहीं ना कहीं आज लगातार जो नई सरकार की कवायद है उस सिलसिले में बैठकों का दौर जारी रहा बीजेपी और एनडीए की तरफ से। 7 जून को बीजेपी संसदीय दल और एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा और 7 जून को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई सरकार बनाने का एनडीए घटक दल के नेताओं के साथ राष्ट्रपति भवन जाकर दावा पेश करेंगे और 8 जून को शाम को वो शपथ लेंगे एनडीए के नेता के तौर पर। तो ये पूरे आगे आने वाली आइटनरी है शपथ ग्रहण समारोह तक का। हलचल की बात जहां तक है तो आईएनडीए गठबंधन जो विपक्षी दल है उसकी भी बैठक आज शाम को होनी है और बीजेपी के नेतृत्व वाली जो एनडीए है उसकी बैठक 4 बजे होने वाली। तो अगले कुछ दिन तक यहाँ लगातार बैठकों का दौर जारी रहेगा। लेकिन बीजेपी और जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस नतीजे के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रात में कहा था कि हमने जीत हासिल की, लगातार 3री बार एनडीए की सरकार बनाएंगे और जो लोगों की आकांक्षा उसे पूरा करेंगे। यानी जो हताशा और निराशा का माहौल था उसे प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से दूर करने की भरसक कल ही कोशिश की थी और अब जो कवायद है और एक सिलसिलेवार ढंग से बैठकों का दौर जो होगा और शपथ ग्रहण समारोह होगा 8 तारीख को, तो ये जताने का कि आईएनडीआई गठबंधन लगातार बैठकें करते रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनडीए घटक दल में नीतीश भी रहेंगे और चंद्रबाबू नायडू भी रहेंगे, पवन कल्याण भी रहेंगे, सीताराम मांझी भी रहेंगे और सिलसिलेवार ढंग से ये भी बताया जा रहा है सूत्रों से कि जो घटक दल है उनको मंत्रिमंडल में भी उचित स्थान दिया जाएगा। तो यहाँ पर सब कुछ लगभग तय कर लिया जाएगा आने वाले 24 घंटे के अंदर में। बिल्कुल रविंद्र, जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो दिल्ली में हलचल तेज थी गई है, बैठकों धमधमाट चाली रही है। त्या बीजी तरफ पीएम मोदी राष्ट्रपति भवन खाते पहुंचा है, राष्ट्रपति ने राजीनामू सौंपी शके छे। तो નવા મંત્રીમંડળની અને નવી સરકારના શપથની તૈયારીઓ પણ શરૂ થઈ ગઈ છે। તો 7 જૂને એક બેઠક પણ મળવાની છે। ક્રિકેટર યુસુફ પટેલ